किया गया था, उसके बाद में कोई पेशवर्क नहीं किया गया। अब कलेक्टर के आदेश पे नाला सफाई करने का अभियान चला गया है, एक सड़क पर एक घंटा नहीं रहेगा। जो रोड़ी बिछाई गई है और जनता ये कह रही है कि डामर क्यों नहीं डाल रहे हैं, तो जो PWD की सड़कें हैं उन पे डामर अभी इसलिए नहीं डाला जा रहा क्यों बारिश का मौसम है, पानी के और डामर के बनती नहीं है, तो उससे जल्दी टूटने का डर रहेगा। तो जैसे ही मौसम थोड़ा साफ होगा जल्द से जल्द उन सड़कों में भी डामर डलवा के और सुविधा। नागौर शहर में पहली बार घर जाकर दिए पट्टे, नागौर नगर परिषद सभापति पायल गहलोत की अनूठी पहल। सभापति की पहल पर उपसभापति व पार्षदों ने लोगों को घर जाकर दिए पट्टे। नागौर नगर परिषद ने आज अनूठी पहल की है और डोर टू डोर जाकर पट्टे देने शुरू कर दिए हैं। सभापति पायल गहलोत ने ये पहल की है। सभापति की इस पहल पर सभापति प्रतिनिधि प्रणय गहलोत, उपसभापति सदाकत सुलेमानी सहित पार्षदों ने घर जाकर पट्टे वितरित किए। नगर परिषद ने 15 पट्टे घर जाकर वितरित किए। नागौर शहर के भक्तावाड़ी, शिवबाड़ी, तिनकावाड़ी व किले की ढाल में लोगों को घर जाकर 69 कके पट्टे दिए। वही आपको बता दे कि नगर परिषद में भी कई लोगों को पट्टे दिए गए। जब हमने पूछा कि यहाँ पर पट्टे के किसी ने आपसे कुछ लिया नहीं, हमसे किसी ने नहीं लिया पट्टे दिए, तो एक अलग ही खुशी लोगों में मिली। इस दौरान सभापति प्रतिनिधि प्रणय गहलोत, उपसभापति सदाकत सुलेमानी, पार्षद मनीष कच्छावा, धर्मेंद्र पनवार, अजीज अंसारी, राकेश सेन, पवन पारी, पूर्व पार्षद लालचंद खटीक मौजूद रहे। आज नगर परिषद ने 69 के 25 पट्टे, कृषि भूमि के 30 पट्टे वितरित किए। कुल 55 पट्टे वितरित किए गए हैं, जिनमें से 15 पट्टे घर जाकर वितरित किए। शहर भर में शुरू हुआ सड़कों का पैचवर्क काम शुरू। वार्ड नंबर 46 में शुरू हुआ सिवरेज का काम शुरू। नागौर शहर के गांधी चौक में लंबे समय से अटकी पड़ी रोड पर खड्डों का पैचवर्क शुरू हो चुका है। आज सुबह से ही शहर भर में पैचवर्क का कार्य शुरू हो चुका है। वही वल्लभ चौराहा से शहर के गांधी चौक में कलेक्ट्री तक पैचवर्क करवाया गया। वही आपको बता दे कि जो बड़े नाले हैं कई सालों से बंद है, कचरा भर गया। सभापति ने खुद जाकर देखा और तुरंत ठेकेदार को बताकर काम चालू किया। जब हमने जाकर देखा तो नालों की मरम्मत हो रही है, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही सामने आ रही है। पैचवर्क का निरीक्षण करने उपसभापति सदाकत सुलेमानी, पार्षद मुजाहिद इस्लाम, भारत ताक, अजय चांद्रा, जावेद सोढ़ा, धमेंद्र पनवार, मनीष कछावा, प्रणय गहलोत, शराफत, लालचंद खटीक, आसिफ और पवन पारिक के साथ कई पार्षद भी पहुंचे हैं। वही शहर के वार्ड नंबर 46 में लंबे समय से सिवरेज भी जाम पड़ी थी, वहां पर भी मौके पर पहुंचेकर उसको शुरू करवाया जा रहा है। We'll be right back.
मिला है, कितने समय से यहाँ घूम रहे थे और आखिर क्या कहें? कितने साल कल आप हैदराबाद जाने वाले थे? ऑलरेडी दो बार टिकट कैंसिल करवाए थे, आज मिल गया, बहुत खुशी हुई। कल आप हैदराबाद जाने वाले थे, आज आपको पता मिला है? हाँ, हमारे फोन आया ना, सूचना मिली थी, उसकी वजह से आए और पता लगा। किसी ने रुपए पैसे वगैरह मांगे? नहीं, किसी ने कुछ नहीं लिया। जीरो रुपए में पट्टा बनाया। क्या नाम है आपका? पुष्पा देव। कितने साल से आपको ये पट्टा मिला? 8 महीने से। 10 सालों से आप यहाँ नगर परिषद में पट्टे के लिए भटक रहे हैं। 2013 से। क्या कहेंगे आप, बताइए खुल के। अब ये कहना था कि आज मेरा काम हो गया, 10 साल के बाद बताइए। तो अभी 10 सालों से किस तरह से यहाँ भटके आप? कुछ मेरी कोई हाल की परेशानी थी, मतलब ऐसा दिया, कुछ काम करने वालों का दिया, सभी बातें मिली हुई जुड़ी थी। अब किसी का दोस्त नहीं है इसमें। अभी आज पता मिला है तो फोन वगैरह आपके पास आए हैं या सूचना मिली है? हाँ, सूचना जो आदमी हमारा जिसको हमने चुन रखा उस इंसान ने आके बोला कि कल आपको वहाँ पहुँचना है, आपको पट्टे मिलेंगे। क्या पैसे वगैरह आपके? नहीं, किसी किस्म से कोई पैसा ऐसा पैसा जो कागज कालवे का जो शुरू में लगा था लगभग बाइक का पैसा, क्या उसके अलावा कोई पैसा नहीं। आपका नाम? मोहम्मद अयूब। कहाँ से? लोहलपुरा। हाँ बताइए, सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, पेच वर्क का किया जा रहा है? नागौर शहर काफ़ी समय से इन सड़क के खड्डों से परेशान भी मैं था, और अभी हाल ही में कलेक्टर महोदय द्वारा एक आदेश भी निकाला गया कि बरसात से पहले नाला सफाई और विभिन्न स्थानों पे जो सड़कों में खड्डे हुए हुए हैं उनको दुरुस्त कराया जाए, ताकि आम जन को कोई परेशानी नहीं हो। पानी भर जाता है, पता नहीं चलता खड्डा कितना गहरा है, कल को कोई मोटरसाइकिल वाला वगैरह ये गिरे करे, इसके लिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए बरसात से पहले पहले ये खड्डों का निस्तारण करवाया जा रहा है। इसके बाद ही इसके साथ के साथ मैं आम जन को एक जानकारी देना चाहता हूँ कि विभिन्न स्थानों पर जो रोड़ी बिछाई गई है और जनता ये कह रही है कि डामर क्यों नहीं डाल रहे हैं, तो जो PWD की सड़कें हैं उन पर डामर अभी इसलिए नहीं डाला जा रहा कि बारिश का मौसम है, पानी के और डामर के बनती नहीं है, तो उससे जल्दी टूटने का डर रहेगा। तो जैसे ही मौसम थोड़ा साफ होगा जल्द से जल्द उन सड़कों में भी डामर डलवा के और सुविधा की जाएगी। लंबे समय से अपने गांधी चौक में पेच वर्क नहीं हो पा रहा था, सड़कें टूटी हुई थी, अब निर्माण शुरू हुआ है, क्या कहेंगे आप? गांधी चौक ही नहीं, पूरे नागौर शहर में बड़े लंबे समय से विकास का कार्य ठप पड़ा था। अब हमारे नए सभापति जी के आने के बाद विकास के कार्य शुरू हो चुके हैं। इस संदर्भ में आज गांधी चौक में पेच वर्क का काम किया जा रहा है। काम की गुणवत्ता को जांचने के लिए हम सब पार्षद यहाँ आए हैं, वही शहर में भी हमारे साथ में है, तो अति उत्तम कार्य हो रहा है और कार्य की देख रेख के लिए हम सब लोग आए। क्या कहेंगे, लंबे समय से सड़कें नहीं बन रही थी, खड्डे थे शहर भर में, अब काम शुरू हो गया है। नागौर की जनता काफ़ी दिनों से खड्डों से परेशान थी। उससे पहले एक बार भी इस पर पेच वर्क, दिवाली पेच वर्क किया गया था, उसके बाद में कोई पेच वर्क नहीं किया गया। अब कलेक्टर के आदेश पे नाला सफाई खड्डे का अभियान चला गया, एक खड्डा नहीं रहेगा।